Hello everyone, this is the ninth part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the assignment operator and conditional operator. So let's start. So सबसे पहले हम देखेंगे assignment operator क्या होता है. This is the most commonly used binary operator in C++. Binary operator का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है. दो ऑपरेंड्स मतलब दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो कांस्टेंट हो सकते हैं. तो ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. एंड देन ये इसका मेन वर्किंग क्या होता है, इट असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल. इट मीन्स आप किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपकी हेल्प करेगा. नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल. So we have one expression a is equals to 3, जिसे हम सी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. और एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है x is equals to y plus 15. ठीक है, सो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, a is equals to 3 and x is equals to y plus 15. सो इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, equals to. Equals to is a assignment operator. यहाँ पे भी इस expression में भी equals to is a assignment operator. So अगर हमारे पास a is equals to 3 एक expression है, so इसमें 3 जो value हमारी right side पे है वो value left side के operand में जाके store हो जाएगी. Programming का ये rule होता है कि जो भी value आप right side में लिखते हैं वो value जाके left side में लिखे हुए operand के अंदर store हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल्स टू इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर. और ये आपकी हेल्प करेगी किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करवाने में, या फिर कोई कैलकुलेशन करने के बाद आप कोई वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखे हुए ऑपरेंड में स्टोर कराना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है. कंडीशनल ऑपरेटर का जो साइन होता है वो है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का साइन. ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन ये दोनों मिलके कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं. सो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल इन C++ विच ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंड्स. मतलब बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है. टर्नरी क्या होगा, टर्नरी जो 3 ऑपरेंड्स के साथ वर्क करेगा. हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. सिंटेक्स में मैंने लिखा है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलम, एक्सप्रेशन 3. इट मीन्स हमने यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखा है इस सिंटेक्स के अंदर हमने 3 एक्सप्रेशंस लिखे हैं, और इन तीनों एक्सप्रेशंस को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क का सिंबल एंड कॉलम का सिंबल. सो इसमें एक्सप्रेशन 1 क्या है, एक्सप्रेशन 1 इज अ कंडीशन. आप एवरी टाइम जो भी कंडीशन लिखेंगे वो एक्सप्रेशन 1 की प्लेस पर लिखेंगे. कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमेशा कंडीशन के साथ वर्क करता है, इसीलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो जो भी ट्रू वैल्यू होगी हम एक्सप्रेशन 2 पे लिखेंगे. ट्रू वैल्यू को हमेशा हम एक्सप्रेशन 2 पे लिखते हैं, और जब ये एक्सप्रेशन 1 में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सो उस वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, एक्सप्रेशन 3 में लिखेंगे. सो एक्सप्रेशन 1 में क्या लिखना है, कंडीशन. एक्सप्रेशन 2 में क्या लिखना है, ट्रू वैल्यू. कंडीशन के ट्रू होने पे जो ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होगी ना वो यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 में लिखी जाएगी. एक्सप्रेशन 3 पे क्या लिखना है, हमें फॉल्स वैल्यू लिखनी है. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स वैल्यू एग्जीक्यूट होगी. सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है c इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b. तो इसमें हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहे हैं. इट मीन्स हमने एक कंडीशन बिल्ड की है a इज ग्रेटर देन b, हम चेक करवा रहे हैं. अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, a वेरिएबल जो हमने एक्सप्रेशन 2 पे लिखा हुआ है, जो हमारा ट्रू वैल्यू माना जाएगा, ये a वैल्यू जो होगी, a वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो c में जाके स्टोर हो जाएगी. ठीक है, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, सो कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे अब बी नाम का जो वेरिएबल है, जो बी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो सी वेरिएबल क्या करने वाला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करने वाला है आफ्टर द कंपेरिजन ऑफ दिस कंडीशन.
सो इसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज की मदद से देखते हैं. सो लेट सी, हमने ए की जगह पे 10 लिख दिया है और बी की प्लेस पे हमने 5 लिख दिया है. सो हम 10 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर 10 की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो जाएगी तब क्या होगा, तब हम 10 को सी में स्टोर कर देंगे. सो 10 कहाँ हो जाएगा, सी में जाके स्टोर हो जाएगा. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे 5 जो हो वो हमारा सी में जाके स्टोर हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो. ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, 10 जो है वो जाके सी में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सो कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है, तो इसीलिए ये फॉल्स वाला जो हमारा वैल्यू है ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और सिर्फ हमारा 10 जो है वो सी में जाके स्टोर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू है 10 मिल जाएगी. सो आई होप आपको कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए ऑपरेटर्स को देखेंगे. और अगर आप कोई और भी C++ के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, मैं श्योरली उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. थैंक यू सो मच.